Yeah, I think we're going to cruise. हे गाइस यार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, जैसे कि अभी प्रीव्यू में आपने वो इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है फ्रेंड्स, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे उस रील की एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड से और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूँ। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपने फोन में एक VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसे आप सिंपल तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एडिटिंग के लिए प्लस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज, यहाँ पर मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, और जिस वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गाइस इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर 6.60 पर रोक लेना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, मैंने 6.60 पर इसको रोक लिया है। रोकने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, आपको सिंपली स्प्लिट पर क्लिक कर देना है और जो नेक्स्ट वाले पार्ट बचा वीडियो का, इसको आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा लोगो आता है, इसको भी आपको डिलीट कर देना है। देन गाइस, अब आपको प्लस पर क्लिक करना है, फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने 12 फोटो ऐड कर लेनी है। गाइस, अगर आपको 12 फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से गाइस, जो फोटो आपके अगर 5-6 फोटो हैं तो उन फोटो को आपको दोबारा से ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास फोटो नहीं होते हैं तब मैं इन 12 फोटोज को एग्जांपल के लिए ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो ये वीडियो आपने ऐड करी थी, इस वीडियो की वॉल्यूम को आपको जीरो कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद अब आपको टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और म्यूजिक पर क्लिक करना है। अब आपको प्लस पर क्लिक करना है और थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो गाइस जो वीडियो आपने यहाँ पर अभी ऐड करी है ना, फिर से आपको उसी वीडियो पर क्लिक करना जो डाउनलोड करी थी आपने अभी स्टार्टिंग में जो ऐड कर रही है, ओके। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ और चूज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको एक बार प्ले करके देख लेना है। तो गाइस, जहाँ पर मैं बीट्स लगा रहा हूँ आपको भी सेम वहाँ पर बीट्स लगा लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। सो गाइस, आपने यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बीट्स लगाई हैं। आपको बीट्स लगाने के लिए सिंपली जो आपके फ्लैग दिख रहा है, आपको सिंपली फ्लैग पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर मैंने 11 बीट्स लगाई हैं, आपको भी सेम इसी तरीके से बीट्स लगा लेनी है। अब आपको राइट पर क्लिक करना है, फिर से राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी बीट्स लग चुकी है, ठीक है। अब गाइस, आपको यहाँ पर ये देखना है कि जितनी हमारी बीट्स लगी है ना, इसे हमारी बीट्स यहाँ पर लगी है, तो मैं इस बीट्स पर रोकता हूँ और रोकने के बाद अपने फोटो के लेयर को इस बीट्स के बराबर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इस पर रोकना है और रोकने के बाद जो नेक्स्ट वाला फोटो है, आपको इसकी लेयर को भी गाइस इस बीट्स के बराबर कर लेना है। आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ प्ले करके भी दिखाऊंगा एंड में वीडियो, ओके। तो मैं इन सारे फोटोज की लेयर को बीट्स के इक्वल कर लेता हूँ। अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइज, अब मैंने अपने सारे फोटोज की जो ड्यूरेशन है उन बीट्स के बराबर कर ली है, ओके। तो अब यहाँ पर आपको गाइज जो आपका फर्स्ट वाला फोटो है, फर्स्ट वाले फोटो पर आपको कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगाना है। आपको जो है गाइस यहाँ पर जो सेकंड वाला फोटो आता है, इस पर आपको इफेक्ट्स लगाना है। तो इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अगर कोई अपना अलग पसंद जो आपको पसंद आता है इफेक्ट्स, उस इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको जूम इन पर क्लिक करना है और आपको राइट पर क्लिक कर देना है, सेकंड वाले फोटो पर आ जाना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जूम आउट वाला इफेक्ट्स लगा देना है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, यानी कि एक पर जूम इन और दूसरे पर जूम आउट, ओके। तो आपको सेम इसी तरीके से अपने फोटोज पर इफेक्ट्स लगाते रहने हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। एक फोटो पर जूम इन और दूसरे फोटो पर जूम आउट वाला इफेक्ट्स आपको लगा लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं अपने सारे फोटोज पर ऐसे ही इफेक्ट्स लगा लेता हूँ। अगर आप कोई अदर तरीके से इफेक्ट्स को लगाना चाहते हैं जो आपको पसंद आता है, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है।
गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली पर डे न्यू से न्यू ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर सारे फोटोज पर एफेक्ट्स लगा लिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट फोटो बचा, लास्ट फोटो पर भी मैंने एफेक्ट्स लगा लिया, ठीक है। तो अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस, अब हमारी वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइज आपने यहाँ पर जैसे ये वीडियो देखी है गाइज, ये वीडियो हमारी एकदम प्रोफेशनल बन चुकी है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। अगर आप भी अपने फोटो को यूज़ करके इस डिज़ाइन की वीडियो बनाते हैं तो 100% वायरल होने का चांस हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी।